साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। बॉलीवुड वालों को क्या लगता है कि जिस तरह से एमएस धोनी पर बनी फिल्म सुपर हिट हुई थी, क्रिकेट प्रेमियों के साथ ही फिल्म दर्शकों का भी जिस तरह प्यार मिला था, क्या उसी तरह फिल्म तियासी को भी मिलेगा? मगर बॉलीवुड वाले ये भूल गए कि एमएस धोनी फिल्म सिर्फ धोनी की वजह से या क्रिकेट प्रेम की वजह से सुपरहिट नहीं हुई थी, बल्कि सुशांत सिंह राजपूत के दमदार अभिनय ने फिल्म को बिल्कुल रियल कर दिया था। सुशांत की फिल्म ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे, मगर रणवीर सिंह ने महाबजट फिल्म को डिजास्टर बना डाला। मूंछ लगा लेने से कोई कपिल देव नहीं बन जाता और फिल्म की हालत रणवीर सिंह को ये बात जरूर समझा गई होगी। फिल्म में क्या है क्या नहीं हमें नहीं पता, क्योंकि हमने अभी तक फिल्म देखी नहीं है और हाल देखकर और रिव्यू पढ़कर हमारा देखने का कोई इरादा भी नहीं है। मगर इतना जरूर पता चल चुका है कि सुशांत सिंह राजपूत के फैंस ने अपना काम कर दिया, फिल्म को बायकॉट करके बॉलीवुड को उसकी असली औकात दिखा दी कि कपिल देव के नाम पर बॉलीवुड की इज्जत को बचा नहीं सकते। तो कैसे सुशांत के फैंस की ताकत के आगे बॉलीवुड घुटनों पर आ गया और कैसे रणवीर सिंह दीपिका पादुकोण के चक्कर में कबीर का भी दिवाला आउट हो गया, साथ ही साथ कैसे दोगले बॉलीवुड से सुशांत के फैंस का एक बदला तो कम से कम पूरा हो गया, आपको सब बताते हैं। आप भी वीडियो को शेयर करें और फिल्म तियासी पर अपनी राय जरूर दें। तो वर्ल्ड कप में भारत की पहली जीत, कपिल देव, इंडियन क्रिकेट टीम, रणवीर सिंह, दीपिका पादुकोण, कबीर खान, किसी फिल्म में इतने सारे पॉइंट्स अगर एक साथ हो और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर रहे तो वाकई में ये बात हैरान करती है। फिल्म तियासी की रिलीज से पहले मेकर्स को ही नहीं बल्कि फिल्म क्रिटिक्स को भी यही उम्मीद थी कि कम से कम क्रिकेट प्रेमी और रणवीर दीपिका लवर्स तो फिल्म को जरूर देखेंगे। मगर बॉक्स ऑफिस पर जिस तरह से ये फिल्म लड़खड़ाई है उससे सभी लोग सदमे में हैं। पूरा बॉलीवुड हैरान है क्योंकि 250 करोड़ के बजट की फिल्म में बनी ये फिल्म महज 51 करोड़ के करीब भी पहुंचने को तरस गई है। पहली बार भारत के हाथ में वर्ल्ड कप और इस शानदार जीत को फिल्म तियासी में मेकर्स ने भुनाने की जमकर कोशिश की। फिल्म के रिलीज से पहले इसका शानदार प्रीमियर रखा गया जहां फिल्मी सितारों से लेकर क्रिकेट के सितारों का भी मेला लगा रहा। रणवीर की तैयारियां वक्त वक्त पर फैंस को दस्तक दे जाती थी कि वो जल्द ही सिल्वर स्क्रीन पर धमाका करने वाले हैं। पूरे जोर शोर से फिल्म आखिर शुक्रवार को यानी 24 दिसंबर को रिलीज हुई, लेकिन यह उम्मीद उलट साबित हुई। रणवीर सिंह अब तक उन सितारों में से रहे हैं जिनकी फिल्में कम से कम एंटरटेनमेंट के नाम पर तो बिकी जाती है, लेकिन यहां पर इस फिल्म में ये फैक्ट भी काम नहीं कर पाया। बॉक्स ऑफिस इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म तियासी, ठग्स ऑफ हिंदुस्तान और जीरो जितनी बड़ी डिजास्टर की तरफ बढ़ रही है। बताया जा रहा है कि फिल्म सिनेमा घरों में अपने ऑडियंस के लिए बुरी तरह तरस गई है। कहा तो ये भी जा रहा है कि इंडस्ट्री के एक बड़े सेक्शन को लग रहा था कि एक शानदार फिल्म होगी। बताया तो ये भी जा रहा था कि इंडस्ट्री के कई लोगों ने इस फिल्म की तुलना शोले और मुगले आजम जैसी फिल्मों से की थी, मगर उसका क्या हाल हो रहा है ये अब सबके सामने है। इसी रिपोर्ट में बताया गया है कि फिल्म 24 दिसंबर को रिलीज हुई, मगर जयपुर जैसी सिटी में इसका बुरा हाल रहा। जयपुर सिटी जो कि हिंदी फिल्मों के लिए टॉप सेंटर्स में से एक मानी जाती है, यहां पर एक मल्टीप्लेक्स की हालत तो ऐसी थी जिसे देखकर बॉलीवुड वाले रोने लगेंगे। खबर के मुताबिक पहले शो में सिर्फ 7 ऑडियंस पहुंची और उनमें से भी 2 ऑडियंस बीच में ही निकलकर पुष्पा का हिंदी वर्जन देखने चली गई। इसी तरह कहीं पर 10 दर्शक तो कहीं पर 4 दर्शक फिल्म देखते मिले। फिल्म तियासी एक स्पोर्ट्स डॉक्यूमेंट्री ड्रामा है जिसे कहानी के तौर पर दर्शकों के लिए देखना काफी मुश्किल है, जिसमें स्क्रीन प्ले का कोई रोल नहीं। इस बात को सोचकर कि लोग मुख्य किरदार को जानते हैं, किसी भी कैरेक्टर को डेवलप करने की कोई मेहनत नहीं की गई। फिल्म तियासी ने अब तक कई बड़ी डिजास्टर फिल्मों से भी कम कमाई की है। फिल्म के 4 दिन के कलेक्शन सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। तो रिपोर्ट के मुताबिक जिस दिन फिल्म रिलीज हुई यानी 24 दिसंबर को फिल्म ने सिर्फ 11.96 करोड़ की कमाई की, वहीं दूसरे दिन सिर्फ 16 करोड़ की, तीसरे दिन 16.5 करोड़ की और चौथे दिन यानी सोमवार को तो सिर्फ 7 करोड़ की कमाई ही ये फिल्म कर पाई। यानी कि इस फिल्म ने अभी तक 51.41 करोड़ रुपए ही कमाए हैं, जबकि फिल्म में लगा बजट 250 करोड़ का है।
अब सवाल ये उठता है कि क्या इंडस्ट्री ऐसी फिल्मों को शानदार बता रही है। अब कहा तो ये भी जा रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत के फैंस की संख्या भी लाखों में है और अगर वो ठान ले तो किसी भी फिल्म को डिजास्टर बना सकते हैं। और वैसे भी फैंस सच में बदला ही ले रहे हैं क्योंकि रणवीर सिंह ने एक एडवर्टीजमेंट के जरिए सुशांत सिंह राजपूत का मजाक उड़ाया था। सुशांत की साइंस इंटरेस्ट का भद्दा मजाक बनाया गया था जिसे दर्शकों ने अभी तक भुलाया नहीं है। और अब तो रणवीर सिंह सरीखों को ये समझ में आ गया होगा कि किसी की मौत के बाद उसका मजाक उड़ाना कितना भारी पड़ सकता है। तो आप भी सुशांत के फैंस की ताकत को लेकर और फिल्म तियासी के इस बुरे हाल पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो सुशांत की मौत का हर किसी ने इस्तेमाल किया, सुशांत की मौत को हर किसी ने अपने फायदे के लिए भुनाया, चाहे फिर वो अक्षय कुमार हो, सारा अली खान हो, कीर्ति सैनन हो या फिर मुकेश छाबड़ा या रूमी जाफरी। सबने सुशांत का नाम, सुशांत की मौत का जिक्र अपनी फिल्मों को हिट करवाने के लिए किया। अब इसी लिस्ट में एक और नाम जुड़ गया है और वो है खुद सुशांत की बहन श्वेता सिंह कीर्ति। सुशांत की मौत से पहले इक्का दुक्का लोग ही सुशांत की बहन श्वेता को जानते थे। इंस्टाग्राम या ट्विटर पर श्वेता सिंह कीर्ति की बहुत कम फॉलोअर्स थे, मगर सुशांत की मौत के बाद एकाएक श्वेता सिंह कीर्ति लाइमलाइट में आ गई। श्वेता की हर सोशल मीडिया पोस्ट वायरल होने लगी, यहाँ तक कि श्वेता ने सुशांत के वीडियोस यूट्यूब पर भी अपलोड करना शुरू कर दिए ताकि वहाँ से भी फायदा उठाया जा सके। लोग तो श्वेता सिंह कीर्ति को सोशल मीडिया पर श्वेता दीदी तक कहने लगे क्योंकि भोले भाले फैंस को लगा कि सुशांत की अमेरिका वाली बहन सुशांत के इंसाफ की मशाल जरूर दूर तक लेकर जाएगी और जब तक उस मशाल को जलाकर रखेगी जब तक सुशांत की मौत के गुनहगारों को सजा नहीं मिल पाती। मगर भैया ये सब वहम है। एक मीडिया रिपोर्ट ने दावा किया है कि श्वेता सिंह कीर्ति ने हमेशा से ही अपने भाई सुशांत सिंह राजपूत का इस्तेमाल अपने बिजनेस के तौर पर किया है। रिपोर्ट में लिखा गया है कि श्वेता सिंह कीर्ति का भाई वाला प्यार कुछ दिन ही चला, लगभग सिर्फ 6 महीने। इसके बाद श्वेता सिंह कीर्ति ने सोशल मीडिया पर सुशांत की पोस्ट डालना भी छोड़ दिया और खुद की पब्लिसिटी में लग गई। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि पेशे से फैशन डिजाइनर और मॉडल श्वेता सिंह कीर्ति अब सोशल मीडिया पर सिर्फ खुद की फोटोज अपलोड करती हैं, कभी वादियों में घूमने की तो कभी समंदर किनारे बिकनी में, कभी अपने बच्चों की तो कभी अपने नए गार्डन एरिया की, मतलब सिर्फ अपनी पब्लिसिटी करती हैं श्वेता सिंह कीर्ति। श्वेता सिंह कीर्ति गुच्ची जैसे बड़े ब्रांड का प्रचार भी इंस्टाग्राम पर करती नजर आ रही है क्योंकि सुशांत की मौत के बाद श्वेता को गिफ्ट में 6,53,000 फॉलोअर्स इंस्टाग्राम पर मिले, 25,000 सब्सक्राइबर यूट्यूब पर और करीब 5,00,000 फॉलोअर्स ट्विटर पर मिल गए, वो भी सिर्फ और सिर्फ सुशांत के नाम पर।